दोस्तों आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक ट्वीट से करना चाहेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिराज चौधरी नाम से एक ट्वीट किया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को कौन नहीं जानता, उनको सिराज चौधरी ने ट्वीट पर टैग करके एक बहुत बड़ी बात लिख दी। क्या लिखा उन्होंने देखिए, आप गाड़ी क्यों बनाते हैं जब आपको ठीक करना नहीं आता है। अब इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाइए ये जनाब कितना परेशान होंगे कि सीधा रतन टाटा को टैग कर दिया। अब अगर एजेंसी वाले, सर्विस वाले, टेक्नीशियंस इनकी बात सुन लेते तो शायद ये रतन टाटा जी को टैग नहीं करते। क्या है इनकी समस्या, क्यों करना पड़ा इन्हें ऐसा, बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। सर मैं ये राजीव मोटर्स में 7 दिन से खड़ा हूं, ये मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। प्रतिदिन सर यही बोलते हैं, आज हो जाएगा। एक बंदा भेज देते हैं, गाड़ी देख लेता चले जाता, पूरा दिन कोई गाड़ी के पास रहता नहीं है। मैं वर्कशॉप में खड़ा हूं। सर मेरी गाड़ी लोड खड़ी है, प्रतिदिन का मेरा 4,000 का नुकसान हो रहा है। अब इसको मेरे को यही एक ऑप्शन बचता है सर कि मैं इस गाड़ी पे पेट्रोल डाल दूं और गाड़ी को आग लगा दूं। इनसे तो कोई मतलब है नहीं सर, ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आपको हमारी वो बात समझ में आ गई होगी कि भाई साहब ने ट्वीट क्यों किया रतन टाटा को। दरअसल इनके पास एक गाड़ी है टाटा अल्ट्रा 1918T, दिसंबर 2021 में इन्होंने खरीदी थी, अभी 1 साल होने को है। और ये 21 नवंबर 2022 को ये गाड़ी नासिक से नेपाल के लिए लेकर निकले थे। प्लास्टिक का कोई माल लोड कर रखा था, लगभग 16 लाख का माल इन्होंने लोड कर रखा है जो नेपाल जाना था। लेकिन गोपालगंज बिहार में इनकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी नहीं चल रही थी। उस दौरान इन्होंने संपर्क किया टाटा की हेल्पलाइन पर। टाटा की हेल्पलाइन पर संपर्क करने के बाद ये एजेंसी पहुंचे गोपालगंज, वहां की एजेंसी का नंबर दिया गया होगा, राजीव मोटर्स के नाम से ये एजेंसी है, वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचना इनके लिए दुखदाई हो गया, हल तो क्या मिलना था और ज्यादा परेशान हो गए। इन्हें लगा कि अब गाड़ी वर्कशॉप में जा रही है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, टाइम से ये पहुंच जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये एक तरह से इनके लिए सजा हो जाएगी, कैद हो जाएगी। लगभग 7-8 दिन से वहां पर ये खड़े हैं और इनकी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई। टाटा अल्ट्रा 1918T मॉडल, इसके बारे में देखिए टाटा कंपनी ने अपने ब्रोशर में कितनी जबरदस्त चीजें लिखी हैं। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ 6, यानी 6 चीजों का कुछ तालमेल है जिसका आप अनुभव करिए, यानी अच्छा अनुभव। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव को महसूस कीजिए। अब देखिए जब गाड़ी बेचनी होती है तो क्या क्या लिखा जाता है, अब पावर ऑफ 6 क्या क्या चीजें हैं वो भी जान लीजिए। पावर ऑफ 6 में सबसे पहले इन्होंने लिखा है पावर ऑफ एनहेंस्ड परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस की उच्च दक्षता। पावर ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, यानी कि बहुत आरामदायक और सुविधाजनक है। पावर ऑफ कनेक्टिविटी, यानी बहुत इजीली आप कनेक्ट हो पाएंगे कहीं ना कहीं से। पावर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, पावर ऑफ चॉइस, टोटल पीस ऑफ माइंड, ये 6 चीजें। अब सोचिए टोटल पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति, 7 दिन से वो वहां खड़े परेशान हैं, टोटल पीस ऑफ माइंड। पावर ऑफ चॉइस, इन्होंने जो चॉइस ली है और अब लोगों को कहना पड़ रहा है कि ये गाड़ी कोई ना खरीदे। पावर ऑफ लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप में बहुत कम पैसा लगेगा आपको। प्रतिदिन 4,000 रुपए के हिसाब से नुकसान हो रहा है इन्हें, और पिछले 7 दिनों से। इसका जिक्र इन्होंने अपनी वीडियो में किया है और हमें भी बताया है, क्योंकि गाड़ी पर माल लदा है। सबसे पहली बात तो लाखों का माल गाड़ी पर लदा है, उसकी भी चिंता है इन्हें। पावर ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कि जल्दी से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे, इतनी तेज ये गाड़ी चलेगी, शायद इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो नासिक से नेपाल जाना है, बिहार में ये खड़े हैं। पावर ऑफ कनेक्टिविटी, 7 दिन से यहीं खड़े हैं, अभी तक नेपाल नहीं पहुंच पाए। तो क्या ये मान लें कि ये सिर्फ भ्रम है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, क्योंकि हकीकत तो ये होती है 7-7, 8-8 दिन वहां खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, एजेंसी में जहां खड़े हैं इनकी समस्या इतनी बड़ी है, वहां वीडियो भी नहीं बनाने दी जा रही। उनको डर है कि वीडियो बना लेंगे तो बात फैल जाएगी। भाई काम कर दीजिए ना, अगर आपको इमेज का या किसी भी चीज का इतना खौफ है तो काम करिए, जो आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है उस पर खरे उतरिए, तो क्यों किसी को ये सब बातें कहनी पड़ जाएंगी।
ये ट्वीट आपने देख लिया रतन टाटा जी को जो इन्होंने किया। अब देखिए वो ईमेल जो इन्होंने राजीव मोटर्स वालों को लिखी है। 30 नवंबर को ये ईमेल इन्होंने लिखी है। गाड़ी 23 नवंबर को खराब हुई थी और वर्कशॉप में 7 दिन से खड़ी है। 7 दिन बाद इन्हें ये लिखना पड़ रहा है, सर मैं आपके वर्कशॉप में 7 दिन से खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन थी सर, उसका काम नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ सर, आप बताओ, मेरा प्रतिदिन का 4,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। सोचिए कितने दर्द और कितने भाव से इन्होंने ये ईमेल लिखी होगी, 4,000 रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। और अभी जब गाड़ी ठीक होगी तो ये भी तो पैसे लेंगे, क्योंकि जल्दी से वारंटी तो ये देते नहीं है, वो नुकसान अलग से जोड़ लीजिए, यानी जब तक गाड़ी बनेगी 1,00,000 रुपये का नुकसान हो चुका होगा इनका। ये संभव है कि हो चुका हो 1,00,000 रुपये का नुकसान। इन्होंने टाटा मोटर्स को भी डायरेक्ट मैसेज किया ट्वीट पर। देखिए वो क्या मैसेज है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, 5 दिन पहले टाटा मोटर्स को किया गया ये मैसेज है। मैसेज में क्या लिखा है देख सकते हैं, टाटा मोटर्स का रिप्लाई आया है इन्हें। नमस्ते सिराज, हम ये सुनकर चिंतित हैं और आपकी सहायता करना चाहते हैं, कृपया हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन और वर्कशॉप डिटेल DM द्वारा भेजें ताकि हमारी टीम आपकी सहायता कर सके। इसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजा हुआ है। 7:27 पर इन्होंने नंबर भेज दिया। लगभग आधे घंटे बाद तो उनका रिप्लाई आया, नमस्ते सिराज, हमें अपना व्हीकल नंबर और लोकेशन भेजें। उन्होंने तुरंत भेज दिया। और अब 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कोई हेल्प नहीं मिली, अभी भी वहीं खड़े हैं और गाड़ियां वहां ठीक की जा रही हैं, लेकिन ये वहां खड़े हैं। वीडियो देखिए आप। ये सर, ये मेरी गाड़ी है सर, इसका कुछ काम नहीं हो रहा है, राजीव मोटर्स में खड़ा हूँ सर, ये इसका ऑफिस है, इधर बंदे काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी का काम करता नहीं है सर, ना कोई सुनते हैं, क्या मालूम सर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये देखिए सर, बाकी गाड़ियों का काम हो रहा है, मेरी अपनी गाड़ी का काम कुछ नहीं हो रहा है सर। देख लिया आपने कथनी और करनी का फर्क, क्योंकि कथनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन जब करने पर आए तो कोई कुछ नहीं करता। इसलिए इस भ्रम जाल से दूर रहें, कभी भी गाड़ी खरीदें या कोई भी चीज़, घर में एक फ्रिज भी लाते हैं या कोई छोटा सामान भी लाते हैं, अगर उसमें दावे बड़े बड़े किए हैं तो पहले पूरी तरह से सोचिए, विचारिए, लिखवा लीजिए, और अगर लिखित में कुछ देते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। पिछली बार भी हमने बताया था कि छोटा सा स्टार जगह जगह बना होता है बड़ी बड़ी बातों के बीच, उस स्टार के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए, क्योंकि वहीं पर होता है असली भ्रम जाल और वहीं पर असली खेल खेला जाता है उस टर्म्स एंड कंडीशन में। तो पूरी नॉलेज लेकर, पूरी जानकारी लेकर, हर एक बात सुनकर लिखवा कर, तब आप अपना कदम आगे बढ़ाया करें ताकि ऐसी किसी परेशानी में आप ना आए। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट TV देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।